नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करने चल रहे हैं। कैलेंडर जिसको आप हिंदी में पंचांग भी बोलते हैं, जिसमें डेट या तिथि से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप करते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम किसी भी डेट को, किसी भी तिथि को किसी बिग इवेंट से, किसी बड़ी घटना से याद रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी फैमिली में कोई चीज याद करना हो, अगर आप लोग देखें तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी या जो आपके पूर्वज हैं, वो आपको बताते हैं कि जिस वर्ष उनकी शादी हुई थी उस साल ये घटना घटी थी, या जिस वर्ष इस तरह से सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई थी उस साल ये घटना घटी थी। तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक बड़े इवेंट के साथ कोरिलेट करके उसे याद करते हैं। ऐसे ही हम लोग भी जो आज की डेट में जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, वो एक इवेंट है, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। वो इवेंट क्या है, जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह का जो जन्म दिवस है, उसी से, उसी घटना से हमने काउंटिंग करना स्टार्ट किया और उसी से आज की डेट में जो भी हम डेट लिखते हैं। मान लीजिए अगर मैं आज लिख रहा हूं कि ये 2018 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ को 2018 साल बीत चुके हैं, ठीक है। ये जो कैलेंडर आज हम फॉलो करते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे पोप ग्रेगोरी 13 ने दिया था। एक्चुअली इनिशियली ये कैलेंडर दिया गया था जूलियन ने, तो जूलियन ने जो ये कैलेंडर दिया था, जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था, इसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसको दूर करके पोप ग्रेगोरी ने जो नया कैलेंडर दिया उसी को आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ये कैलेंडर पर कैसे काम होता है, क्या चीजें हैं, उसको देखिए। देखिए इसमें जो डेज हैं, जो दिन हैं, वो होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। अगर हम संडे को, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक, अगर हम इनका डेज के जो कोडिंग देते हैं, तो हम संडे को जीरो लेते हैं और उसके बाद एक एक करके वो नंबर्स बढ़ाते चले जाते हैं। तो संडे को जीरो लेंगे, मंडे को वन लेंगे, ट्यूसडे को टू, वेडनेसडे को थ्री, थर्सडे को फोर, फ्राइडे को फाइव, सैटरडे को सिक्स। अगर आप मंडे से स्टार्ट करोगे तो संडे लास्ट में आएगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और लास्ट में जीरो आ जाएगा। ऐसा क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ दिन अगर आप देखोगे तो ये है सात, और सात दिन के बाद वो दिन वापस से रिपीट होगा। सैटरडे के बाद में वापस से क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो आफ्टर एवरी सेवन डेज वो दिन बार बार रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर 10 तारीख को सोमवार है, मंडे है, तो ठीक सात दिन बाद प्लस सेवन करेंगे, 17 तारीख को फिर से मंडे होगा, फिर प्लस सेवन आप करोगे तो 17/7 24 तारीख को वापस मंडे होगा। यानी कि वह दिन हमेशा हर सात दिन के बाद रिपीट होगा, और ऐसा एक नहीं, सभी के साथ में है, ठीक है। अब देखिए, ईयर जो साल हमारे यहां होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो साधारण नॉर्मल ईयर होते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, एक होता है आपका लीप ईयर या अधिवर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी महीने में 28 की जगह पर वो महीना कितने दिन का होता है, 29 दिन का। नॉर्मल तौर पर फरवरी आपकी, फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में वही फरवरी कितने दिन की होती है, 29 डेज की होती है, ठीक है। कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, तो कोई भी ऐसा ईयर जिसको आप 4 से डिवाइड करो और वो पूरी तरह से कट जाए तो वो संख्या लीप ईयर होगा। नॉर्मल ईयर के केस में, शताब्दी के केस में, शताब्दी का मतलब ये हुआ कि 100 का जो मल्टीपल है उसमें जो ईयर है वो 400 से डिवाइड होने पर वो शताब्दी कैसी होती है, लीप ईयर होती है। अदरवाइज वो ईयर कैसे होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। देखिए, 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, चाहे ईयर नॉर्मल हो यानी कि साधारण ईयर हो या फिर लीप ईयर हो, डेट्स में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता है। बस लीप ईयर जब होता है तो यहां से चेंजिंग आती है, उसमें ऐड होता है 29th February। तो कभी भी डेट में चेंज अगर होगा, लीप ईयर होगा, तो 29th February से लेकर के 31st December तक, इसी के बीच में वो चेंजिंग होगी, 28 फरवरी तक कोई चेंज नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। अब एक वर्ड यूज होता है ऑड डेज या विषम दिन, ये क्या होता है आप समझिए,
कि कोई भी दिन अगर आपको दिया, जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 7 दिन का आपके पास जो सप्ताह है वो कितने दिन का होता है? 7 दिन का। इसको आप क्या बोलते हो? वीक। क्या बोलते हो आप इसको? वीक, या फिर हिंदी में आप इसको बोलते हो सप्ताह। ठीक है, वो कितने दिन का होता है? 7 डेज का। क्यों? क्योंकि आफ्टर एवरी 7 डेज वो डेज जो है वो रिपीट होते हैं, इसीलिए 7 डेज का वीक हो गया। अब ये 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो, 7 5 जा 35, 115, 7 2 जा 14, 1/7, मतलब 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं और एक दिन ये एक्स्ट्रा बच जाता है। तो जो ये एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, इसी को ही आप कहते हो विषम दिन या फिर ऑड डेज। उदाहरण के लिए कोई महीना जिसका दिन हो 31 डेज हो, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 हो गया, 28 सही 3/7 हो गया। ये 4 सप्ताह पूरे पूरे होते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। ये 3 दिन वो है जो सप्ताह नहीं बना पा रहा, 4 वीक्स कंप्लीट हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा जो बच रहा है इसी को बोलते हैं विषम दिन। अगर मान लीजिए फरवरी 28 दिन की है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा पूरी पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो इसमें विषम दिन क्या हो जाएंगे? विषम दिन ऑड डेज ये 0 हो जाएंगे। यहां पर कितने हैं ऑड डेज? 3। यहां पर ऑड डेज कितना है? 1। अगर 366 जो आपका लीप ईयर है इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52:2/7, तो यहां पर लीप ईयर कितना बच जाता है? तो इसमें ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 2। ठीक है, हम निकालते हैं कि 100 ईयर्स में कुल कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे। तो 100 को पहले 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्यों? 4 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो लीप ईयर्स होंगे। यहां पर हमें मिल रहा 25, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर 100 साल पूरे हो जा रहे हैं। तो 100 से पहले पहले आप ये समझिए कि 99 अगर हमारे पास है, 99 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो हमको मिलता है कितना? 4 2 8, फिर कितना आएगा बोलिए? 1 19, 4 4 को 16, 3/4, तो कंप्लीट हमें मिलता है 24। इसका मतलब लीप ईयर कितने हैं, अधिवर्ष कितने हो रहे हैं? 24 दिन। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये 100 जैसे ही हो रहा है तो 100 को 4 से डिवाइड करने पर 25 आ रहा। इसका मतलब ये है कि 100 साल में 25 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही 100 होगा, सेंचुरी हो गई, शताब्दी हो गई, तो शताब्दी को 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो 100 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब 25 नहीं होंगे, उसमें कितने लीप ईयर होंगे? केवल 24 लीप ईयर होंगे। तो आप देखो, 100 साल में 24 लीप ईयर है और हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 24 लीप ईयर में 24 × 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए। प्लस अब 100 में से अगर 24 लीप ईयर हैं तो बाकी के 76 नॉर्मल ईयर्स होंगे, 76 साल साधारण वर्ष होंगे। साधारण वर्ष में 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, विषम दिन बचता है। तो ये 76 × 1 हो गया, ये वैल्यू आएगी 48 और ये प्लस 76 हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए तो 8 6 14 का 4 हो गया और 7 4 11 1 12 हो गया, 124 दिन एक्स्ट्रा मिला। 7 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने हफ्ते मिलते हैं हमें। तो ये 7 1 = 7 होगा, यहां बचेगा 5, कितना हो जाएगा? 54। तो 7 7 49 हो जाएगा, वैल्यू आएगी 5/7। तो आपके पास 5 डेज एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, साधारण ईयर में, साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, 100 ईयर में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब 200 ईयर में क्या होगा? 5 का डबल 10 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही 7 से ज्यादा हुआ, इसमें से 7 दिन का 1 सप्ताह बन जाएगा, तो एक्स्ट्रा दिन कितना बचेगा? 3 डेज। और ऐसे ही अगर हम 300 ईयर्स लेते हैं तो 5 × 3 = 15 दिन होना चाहिए, 15 में से 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन माइनस हो जाएगा, तो लीप ईयर कितना बचेगा? 1 दिन, सॉरी ऑड डेज कितना बचेगा? केवल 1। और जैसे ही ये 400 ईयर्स होता है, तो अब 400 ईयर्स में आप देखो क्या होगा, 15 दिन तो 300 साल तक हो गया था, 400 जैसे ही हुआ तो ये 400 400 से डिवाइड होगा, मतलब ये लीप ईयर शताब्दी है, शताब्दी भी सेंचुरी भी कैसी, लीप ईयर। तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा इसमें, यानी कि बाकी ईयर्स में जहां 5 दिन होते थे, इस 400th ईयर में 6 दिन एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि यहां पर 21 दिन एक्स्ट्रा होगा और 21 पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहां पर जो ऑड डेज है वो कितना हो जाएगा? 0। यानी कि हर 400 साल में जो ऑड डेज है, विषम दिनों की संख्या 0 होगी, 300 साल में 1 होगी, 200 साल में 3 और 100 साल में 5 होगी। इन सब का इस्तेमाल होगा। देखिए, अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
कि 5 जनवरी 1991 को अगर सैटरडे था तो 5 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा? तो भैया सीधा सीधा आप देखो, जब भी डेज आप आगे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि लीप ईयर है कि नहीं। तो हमने बोला है कि लीप ईयर होने पर भी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कोई चेंज नहीं होता है। डेट 5 जनवरी की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, क्या होगा मतलब नहीं। आपको हमने क्या बोला कि 365 को 7 से डिवाइड, मतलब हर साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वन डे क्या होता है एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष जो दिन है वो एक एक डेज एक एक दिन बढ़ता जाता है, एक एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो 5 जनवरी को अगर शनिवार था तो अगले साल 5 जनवरी तक आने में एक दिन और बढ़ गया होगा, तो शनिवार की जगह पर क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक दिन बढ़ गया होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब यही अगर आपसे पूछता कि 5 जनवरी 1991 को अगर सैटरडे है तो 5 जनवरी 1990 को दिन कौन सा रहा होगा, तो देखो ये साल पीछे जा रहा है, आगे जाने पर एक दिन बढ़ रहा है, तो पीछे जाने पर सेम डेज माइनस होगा। जैसे 1991 से जब आप 1992 में आप जाओगे तो प्लस वन डेज हुआ, और बैक साइड में 1990 में जब आप आओगे तो माइनस वन डे। मतलब अगर डेट में आगे जाएंगे तो जो ऑड डेज है विषम दिनों की संख्या जुड़ेगी, पीछे आने पर माइनस होगी। तो यहां पर अगर ये सैटरडे था तो पीछे आएंगे तो एक दिन पहले यानी कि फ्राइडे हो जाएगा, और आगे जाने पर क्या हो रहा है संडे, जबकि ये लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर होने का मतलब ये हुआ कि 28 फरवरी तक एक दिन बढ़ेगा, 28 फरवरी के बाद में 29th फेब ऑनवर्ड्स प्लस टू डेज हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर ये हम दे देते कि 5 मार्च 1991 को सैटरडे है तो 5 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा, तो भैया देखो पहले 4 से डिवाइड करो, तो 4 चौको 16, 3 39, 4 9 36, 3 32, 4 8 32 कट रहा है, इसका मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर होने पर प्लस टू डेज एक्स्ट्रा होगा, क्यों? क्योंकि मार्च की बात हो रही जो कि 28 फरवरी के बाद में है। तो सैटरडे से दो दिन आगे चले जाओ, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे आता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेट अगर सेम है तो दिन मंडे हो जाएगा। अब वो जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए डेट चेंज कर देते हैं, यहां पर 5 मार्च की जगह पर वो आपको लिख देंगे 10 मार्च, तो चलो ठीक है। तो 5 मार्च से 5 मार्च को आपको होना चाहिए था मंडे, 5 मार्च से 5 मार्च तक जब आप जाओगे सेम डेट से सेम डेट तक आपको दो दिन एक्स्ट्रा हुआ। अब आपकी डेट से कितना आगे तक ये गया है, 5 से 10, 5 दिन ये एक्स्ट्रा गया, 5 और 2 मिला के कितना हो गया, 7 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर ये 7 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो वही दिन रिपीट हो जाएगा यानी कि सैटरडे हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ पाए भैया, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, और आपकी डेट है 5 तारीख, यहां पर इन्होंने डेट दिया है 10 तारीख, तो 5 तारीख से कितना आगे गए हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ, तो 5 दिन इन्होंने बढ़ाया और लीप ईयर है इस वजह से 2 दिन बढ़ेगा, तो 5 + 2 यानी कि 7 दिन बढ़ जाएगा। तो इस डेट के 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो आफ्टर एवरी 7 डेज सेम डेट रिपीट होता है, तो सैटरडे है तो सैटरडे ही आएगा। ये मान लो 10 मार्च की जगह पर अगर मान लो वो आपसे बोलते, ये मान लो 10 मार्च है, 10 मार्च की जगह पे वो बोलते कि 9th ऑफ मार्च को कितना दिन होगा 1992 को, तो 5 से कितना ज्यादा है, 4 दिन, लीप ईयर होने पर 2 दिन और एक्स्ट्रा है, तो 4 और 2 6 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो सैटरडे से 6 दिन आगे आप जाओ तो आपको मिलेगा फ्राइडे, ठीक है। इस तरह से सेम यही प्रोसेस होगा, आगे बढ़ने पर जैसे ऐड कर रहे हैं वापस आने पर वैसे ही माइनस करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया कि 4 अप्रैल 1988 को अगर मंडे था तो 3rd नवंबर 1987 को कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो 87 इसके पहले की डेट है ना, तो इस डेट से इस डेट के बीच में कुल कितने ऑड डेज हैं, विषम दिन कितने, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं। उसके लिए हम नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का ऑड डेज सारे निकाल लेते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट ईयर तो है नहीं, पूरा साल है नहीं, तो इसमें हम यही कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे,
3 नवंबर तक तो हो गया था, तो 3 नवंबर की डेट हमें चाहिए। तो नवंबर में होते हैं 30 दिन, तो 30 में से 3 माइनस किया हो गया 27, ठीक है। दिसंबर में पूरे 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, 88 है, तो 88 क्या 4 से कटेगी, 4 चौको 16, 3 38, 4 9 36, 2 28, 4 7 28 कट रहा है। इसका मतलब ये लीप ईयर है, अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन होगा, मार्च में कितना होगा बोलिए, यस 31 दिन, अप्रैल में कितना होगा 30 दिन, लेकिन अप्रैल में पूरा नहीं जाना, केवल 4 अप्रैल तक ही जाना है, तो अप्रैल की डेट क्या हो गई 4। इनको जोड़ना भी नहीं है। अब देखो यहीं से हम ऑड डेज निकाल देते हैं, 27 है, 7 से भाग दे दो, 7 3 21, 6 बचेगा, 31 है, 7 चौको 28, 3 बचेगा, 31 है फिर 3 बचेगा, 29 है, 7 चौको 28, 1 बचेगा, फिर 31 है, 3 बचेगा, बाकी के ये 4 बचेंगे। फिर से जोड़िए, 6 3 9, 9 होते ही 2 एक्स्ट्रा दिन हो गया, 2 3 5 1 6 3 9, फिर से 9 होते ही 7 माइनस करिए, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 4 और 2 मिला के टोटल 6 दिन एक्स्ट्रा हो गए। कुछ नहीं, जैसे ही 7 या 7 का मल्टीपल हो आप डिवाइड करके माइनस कर दीजिए, सभी नंबर को 7 से डिवाइड करिए, जो बचता है वही ऑड डेज है। 27 को किया 6 दिन, 3 दिन, और फिर डायरेक्टली जोड़ भी सकते थे, 6 3 9 3 12 1 13 3 16 4 20, और 20 में 7 से डिवाइड करते, 7 2 14, 6 दिन एक्स्ट्रा आता। 6 दिन एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ कि अब ये 6 दिन पीछे आना है, सोमवार से 6 डेज बैक आना है, ठीक है। तो अब सोमवार से पीछे आएंगे तो क्या मिलेगा, सोमवार से पहले संडे आएगा, फिर उससे पहले सैटरडे आएगा, या फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, फ्राइडे आएगा, उससे पहले क्या आएगा, थर्सडे आएगा, उससे पहले क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, उससे पहले क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो 6 दिन बैक जब आप आओगे तो आपको जो दिन मिलेगा वो दिन मिलेगा मंगलवार का, ठीक है। और डायरेक्टली भी ऐसे जानो कि 7 दिन के अंतर पर वही दिन आता है, तो अगर 6 दिन है तो एक दिन बाद वाला नंबर आ जाएगा, आपको पीछे आना है। 4 अप्रैल को अगर मंडे था तो पीछे आना है, तो 6 दिन माइनस करेंगे मंगलवार आता। अगर यही चीज आगे जाना होता तो मंडे से 6 डेज अगर आप आगे जाते तो आपको संडे मिलता। आगे जाने पर प्लस करना है, पीछे आने पर माइनस होना है, बस यही करना है। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपको एक डेट दे दी जाती है और आपसे पूछता है कि इस दिन को, जैसे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब आप देखो, जो 1950 जिस साल की बात हो रही है उसमें एक माइनस करो, पहले 1949 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, इनके बारे में हम जानते हैं। तो 400 का जो गुणनफल होगा, 400 का जो मल्टीपल होगा, वहां तक विषम दिनों की संख्या जीरो होगी। तो 1900 से छोटा क्या होगा, 4 चौको 1600, 1600 तक में विषम दिनों की संख्या जीरो। 1600 के बाद में फिर कितने 100 ईयर्स के मल्टीपल होंगे, 300, 16 3, हर शताब्दी में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 300 साल में 5 3 15 दिन, 15 दिन में 2 हफ्ते पूरे होंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट 49 इयर्स, मतलब ये हो गया 1600 300 1900, अब बच गए 1900, बच गए 49 इयर्स। 49 को 4 से डिवाइड किया तो 12 आ गए, 4 से जो डिवाइड करने पर 12 मिला, मतलब 12 लीप ईयर है, तो 12 2 24 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। लीप ईयर वाले 24 दिन होंगे, 24 को 7 से डिवाइड किया तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब इसमें से 12 माइनस किया 37 आ गया, 37 नॉर्मल ईयर होंगे, तो नॉर्मल ईयर का 37 दिन एक्स्ट्रा हुआ, 7 से डिवाइड किया, 7 5 35, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ। अब आते हैं उस डेट में, डेट जनवरी का महीना है, 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी यानी जनवरी में केवल 26 डेज लेना है, 7 से डिवाइड करो, 5 बचेगा, तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब इन टोटल में 5 और 2 मिलाकर के 7 हो रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो गए, 3 और 1, टोटल 4 दिन आपको विषम डेज के मिले। अब जब ये 4 डेज विषम वाले मिल गए, तो स्टार्टिंग में याद करो हमने लिखा था संडे को 0, ऐसे ही मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, और थर्सडे को क्या लिखा था, 4। 4 दिन एक्स्ट्रा आया है, तो दिन कौन सा था, थर्सडे, बृहस्पतिवार या गुरुवार। अगर 5 दिन रहता तो ये हो जाता फ्राइडे 5, और सैटरडे हो जाता 6। तो जितने दिन ऑड डेज बचेंगे वो डेट आपको डायरेक्टली मिल जाती है। अब आप देखो क्या 15 अगस्त 1947 का दिन निकालना है, तो 1946 में पहले आते हैं, 1600 में 0 दिन होगा, 300 में फिर से 1 दिन होगा, 46 साल में 11 लीप ईयर है, 11 2 22 हुआ, 22 में 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, बाकी के 35 नॉर्मल ईयर है, 35 दिन, 7 5 35, 0 दिन हो गया। जनवरी में 31 थे तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, 7 चौको 28, 3 बचेगा, फरवरी में 0 दिन हो जाएगा, मार्च में 31 दिन होता है, 3 दिन होगा, अप्रैल में 30 दिन होता है, 2 दिन होगा,
मई में 31 दिन होता है, 3 दिन होगा। जून में 30 दिन होता है, 2 दिन होगा। जुलाई में 31 दिन होता है, 3 दिन होगा। और अगस्त में 15 दिन होता है, तो 1 दिन होगा। अब यहां से 7 का पेयर बना दो आप, ठीक है। कैसे 7 बनेगा? 3 3 6 1 7, यहां तक के डेज 0 हो गए, अभी तक कोई नहीं हुआ। आप देखो ये 3 3 6 1 7 0 हो गए, एक बचा हुआ अभी, ठीक है। अब यहां से आप क्या करो, 3 3 6 और ये 1, 7 दिन 0 हो गया, बच गया 2 और 2, 4 दिन यहां 1 दिन यहां, 4 + 1 यानी कि 5 दिन। पांचवा दिन 5 days odd मिला है, यानी कि उसका दिन का जो दिन था वो था फ्राइडे। फ्राइडे का कोड क्या होता है? 5, ठीक है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक जैसे भी स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें कोई एक डेट आपको दी गई थी, उसके रेफरेंस में एक डे दिया हुआ था, दिन दिया हुआ था, उसके रेफरेंस में दूसरी सेकेंड डेट को आपको वो वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट में क्या था कि आपको डायरेक्टली डेट दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि उस दिन कौन सा दिन है। तो ये 2 तरह के ही क्वेश्चन आपसे कैलेंडर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब में DRS मैथ सर्च करना है, डीपी या प्रोफाइल पिक्चर मिलेगा, टच करते ही प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसको ओपन करेंगे तो सारे वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे। खुद भी देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए DRS मैथ्स। थैंक यू सो मच।